यस बेटा, अब नेक्स्ट पेज पर हम डिस्क्राइबिंग वर्ड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे है कलर द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो पिक्चर मैंने अब कलर कर दी है आपकी बुक पे, जो पिक्चर बनी हुई है ये, तो इसको कलर नहीं किया गया होगा। तो आपने पहले तो इस पिक्चर को कलर करना है, उसके बाद हमने जो ये पिक्चर है उसको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बने हुए हैं। फर्स्ट है द हाउस हैज़ अ डैश रूफ। तो रूफ मीन्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। रूफ मीन्स होता है छत। ये जो छत है ना, इसको रूफ बोलते हैं। तो जो छत है वो कैसी है? स्लूपिंग। स्लूपिंग मीन्स होता है तिरछा, थोड़ा सा टेढ़ा। ठीक है, द हाउस हैज़ अ स्लूपिंग रूफ। नेक्स्ट है इट हैज़ अ डैश डोर। तो डोर कहाँ पे है? ये डोर है। ठीक है, जो दरवाजा होता है, गेट होता है ना, उसको डोर बोलते हैं। तो डोर को, डोर देखो यहाँ से, इसको हम पिंक भी बोल सकते हैं, इट हैज़ अ पिंक डोर। और यहाँ पे देखो ये सिंगल डोर है, यहाँ पे डबल डोर नहीं है, सिंगल डोर है। सिंगल को हम यहाँ पे ये शो कर सकते हैं, इट हैज़ अ वन डोर। ओके, नेक्स्ट बेटा थ्री नंबर पे द ग्रास इज डैश। तो ग्रास, यहाँ पे ये ग्रास है, तो ग्रास कैसा है? ग्रीन कलर का है। तो हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे राइट कर दिया द ग्रास इज ग्रीन। ओके, तो नेक्स्ट बेटा द फ्लावर पॉट इज डैश। तो यहाँ पे ये फ्लावर पॉट है, तो हमने इसको डिस्क्राइब करने के लिए ब्यूटीफुल राइट किया है, द फ्लावर पॉट इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये फ्लावर पॉट को डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल, कि फ्लावर पॉट जो है वो सुंदर है। नेक्स्ट बेटा द फेंस इज रेड। तो फेंस क्या होता है? जो आगे ये बनी हुई है ना छोटी छोटी बॉल जैसी, इसको फेंस बोलते हैं। ठीक है, जो इसको हम बाड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस आगे घर की बाहर बनी हुई है फेंस, तो इसको फेंस को डिस्क्राइब करना है। हम फेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे रेड रेड भी राइट कर सकते हैं, द फेंस इज रेड, क्योंकि इसका यहाँ से रेड कलर है। और इसको हम यहाँ पे शॉर्ट भी लिख सकते हैं, द फेंस इज शॉर्ट। और ये भी लिख सकते हैं द फेंस इज ओल्ड, द फेंस इज न्यू। ठीक है, तो हमने जो इसको डिस्क्राइब कर सकता हो वर्ड, वो यहाँ पे राइट करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, लुक एट द पिक्चर, फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, तो इस पिक्चर को हमने डिस्क्राइब करना है जो यहाँ पे क्लू दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग। तो फर्स्टली यहाँ पे क्लू है एट। तो हमने यहाँ पे देखना है, हमने यहाँ पे देखना है कि एट क्या है इस पिक्चर में। ठीक है, तो हम काउंट करते हैं। अब पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो बॉल्स हैं वो एट हैं। एट पहले ही यहाँ पे राइट किया गया है और हमने साथ में बॉल्स राइट कर दिया। अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे ये क्लू है नोज का। तो हमने देखना है कि इसका नोज कैसा है। देखो बेटा, ये रेड कलर का है नोज, तो हम रेड भी लिख सकते हैं और नोज जो है बिग है, तो बिग भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया। ठीक है, रेड नोज। नेक्स्ट बेटा ये क्लू है येलो। तो येलो क्या है इसमें? शर्ट है जोकर की। ठीक है, तो येलो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने शर्ट राइट कर दिया, SHIRT शर्ट। ठीक है, आगे यहाँ पे क्लू है पैंट का। ठीक है, पैंट्स, तो पैंट कौन सी कैसी है? ब्लू कलर की है, तो हमने यहाँ पे ब्लू राइट कर दिया, BLUE ब्लू। ठीक है,